मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अपनी अपनी ओर से लाइफ मैनेजमेंट के संबंध में कुछ विषय मुझे सुझाएं, और मुझे यह पढ़कर बहुत अच्छा लगा, यानी कि आपके ईमेल देख करके कि आप में से कुछ ने मुझे विषय सुझाए हैं, और अब मैं कुछ दिनों तक उन्हीं सुझाए गए विषयों को अपने इस लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत लूंगा। तो आज मैं जो विषय ले रहा हूं वो इनफैक्ट आप लोगों में से ही कुछ प्रिय श्रोताओं ने जो सुझाए हैं उसी विषय को ले रहा हूं। और मित्रों, आज के विषय के तहत मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। दो स्टूडेंट ने, इत्तफाक होता है कि दो प्रिय श्रोताओं ने इसी विषय पर जानना चाहा है, तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। हो सकता है कि इस विषय पर मेरी बात सुनने के बाद आपको थोड़ी निराशा हाथ लगे, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये प्रश्न करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर के रूप में आप ये उम्मीद करते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये जीवन का पहला उद्देश्य है, सबसे मुख्य, और इसके बाद ये दूसरा और तीसरा। इस तरह के उत्तरों की आप अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बातें आपको बताई जाएंगी। सच पूछे तो मेरे बात करने का ये पैटर्न भी नहीं होता है, क्योंकि जब मैं अगर इस तरीके से अपनी बात आपको बता देता हूं तो देखिए, सीधी सी बात है कि मैं आपके विचार के प्रवाह को रोक देता हूं, मतलब उसमें फिर आपके विचार करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आपने महसूस किया होगा कि ज्यादातर जो मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं उसे मैं एक मैदान की तरह खुला रखना पसंद करता हूं, उसमें मैं दीवालें खड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप दीवाल खड़ी कर देते हैं तो वो आंगन बन जाता है, और जैसे ही आप दीवालों को गिरा देते हैं तो वो आकाश बन जाता है। और मैं चाहता हूं कि जो मेरे प्रिय श्रोता हैं वो सब आकाश बने, यानी कि उनमें खुद एक चिंतन प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ विशालता पूर्वक विकसित हो। तो दोस्तों, उसी थ्योरी को लेकर के मैं आज इस विषय पर बात करूंगा। सच पूछे तो पहले तो मुझे यही बात लगती है कि हमें यह सोचने की जरूरत ही क्यों होती है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या सच में इसको जानना जरूरी है? माफी चाहूंगा मैं ये प्रश्न करने के लिए कि क्या सच में हम जाने, क्या जीवन जीना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद नहीं हो सकता है? जब मैं कह रहा हूं जीवन को जीना अपने आप में एक मकसद हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सांस चलने से नहीं है, इसका मतलब है कि जीवन को जिस तरीके से जिया जाना चाहिए और किस तरीके से जिया जाना चाहिए, मुझे लगता है इसके बारे में हम सबको जानकारियां हैं कि भाई हम शांतिपूर्वक जिए, संतुलन के साथ जिए, समाज में जिए, लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से जिए, इस तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं। इसी का एक दूसरा पक्ष हो जाता है फिर जीवन यापन। जीवन जीने के लिए जीवन यापन की जरूरत होती है, यानी कि हमें कुछ आर्थिक गतिविधियां करनी होती है। तो बट नेचुरल है कि हम कुछ आर्थिक गतिविधियां करते हैं। अब वो आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, ये हमारी अपनी स्थितियों पर निर्भर करता है, हमारी रुचियों पर निर्भर करता है, हमारी सुविधाओं पर निर्भर करता है। कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई प्रोफेशन में है, और ये सब के सब जीवन यापन के साधन है। और मैं मान करके चलता हूं इनमें कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि समाज को हर की जरूरत है। लेकिन जब जीवन के मकसद के बारे में कोई प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है तो वो क्यों उभरता है? उसका कारण मुझे यह लगता है फ्रेंड्स कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए, या फिर कभी कभी यह भी बात दिमाग में आती है कि नहीं, हमें अपने जीवन से हट करके दूसरों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। ये एक अच्छी सोच है, इस सोच का मैं सम्मान करता हूं। देखिए यहां पर अब होता क्या है कि हम चाहे कोई भी काम करें जीवन यापन के लिए, या हम कोई भी आचरण कर रहे हैं, अगर वह सही तरीके से किया जा रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है, उस काम को जिस तरीके से किए जाने की अपेक्षा की जाती है, अगर हम उस काम को उस तरीके से कर रहे हैं, तो मित्रों मैं ये बात कहने के लिए क्षमा चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो सामाजिक उद्देश्य है, समाज की भलाई का जो हमारा मकसद है, वो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा होता है। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत
नहीं होती है। मैं इसे रिपीट करूंगा कि अगर हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, अच्छी भावना के साथ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो यह जो हमारा काम है अपने आप में ही एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है, या यूं कह लीजिए कि इससे समाज का हित सदता है। आपको क्या लगता है कि जो किसान है खेतों में अपने आप को मिट्टी की तरह खपा देता है? कभी आप जाकर के देखिए किसानों को, और आप लोगों में से तो बहुत से किसान होंगे ही, आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने आप को मिट्टी में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये जो किसान है ये तो इसका इसके खेत हैं, इससे फसल होगी और इसे ये बेचेगा और इसे वो धन कमाएगा और धन का वो खुद उपयोग करेगा। यहां आप गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इसे अब थोड़ा सा आप इनलार्ज करके देखिए। और इनलार्ज आप तब करेंगे जब आप उसको निकाल दें इस सेंस में। अब आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब किसान खेत में कोई अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के मान लीजिए कुछ समय के लिए कि सभी किसान कुछ और काम करने लगे और कहें कि नहीं, खेती बाड़ी नहीं की जाएगी और कोई भी दूसरा ना करे। अब आप सोच करके देखिए कि समाज की क्या स्थिति होगी। समाज रह नहीं पाएगा, छटपटाहट पैदा हो जाएगी, उसे इस कमी की पूर्ति करनी ही पड़ेगी चाहे वो जहां से भी करे। तो अब आप यहां थोड़ा सा विचार कीजिए कि किसान जो अपने लिए ही काम कर रहा है, अपने ही खेत में अनाज पैदा कर रहा है और वो जो बेच करके धन लाता है उसका उपयोग वह अपने लिए ही करता है, लेकिन क्या इससे सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं होता? यहां हमें इस पर विचार करना होगा। अब एक देखिए, एक उद्देश्य हम अगर जीवन के थोड़ा सा और इनलार्ज करके और जानने की कोशिश करें तो प्रकृति का क्या उद्देश्य है? प्रकृति ने हमें बनाया है। जैसे हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है कि हम इसे इसके लिए उपयोग में लाएंगे। तो प्रकृति ने हमें बनाया है, तो प्रकृति का क्या उद्देश्य हो सकता है? आइए हम थोड़े से और विस्तार के साथ इसे देख सोच लेते हैं, विशालता में। तो प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं है, हमें बनाने का प्रकृति का एकमात्र जो उद्देश्य है, एकमात्र उसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि उसने जो निर्माण किया है ये चलता रहे, ये निर्माण नष्ट न हो, कहीं जाकर के रुक न जाए, इसका क्रम जारी रहे। तो इस रूप में आप पुरुष और स्त्री के संबंध जो होते हैं, आप यूं कह लीजिए कि प्रकृति ने पुरुष और स्त्री इसलिए बना, अदरवाइज सिर्फ वो पुरुष बना देता या वो सिर्फ स्त्री भी बना देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन इन दोनों का अगर उसने निर्माण किया है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना। कि ये जो प्रकृति यानी कि जो पुरुष और स्त्री नाम के जीव की जो मैंने रचना की है, प्रकृति सोच रहा है ये निरंतर बना रहे, ऐसा ना हो कि ये नष्ट हो जाए। तो ये जीवन का फिर एक अलग किस्म का मकसद हो जाता है जो प्रकृति हमें दिखाती है। तो दोस्तों, जब हम जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। देखिए, एक ही बहुत ही व्यावहारिक पक्ष है जिस पर मैंने अभी आपसे बात की, दूसरा फिर इसका बड़ा दार्शनिक पक्ष है या आध्यात्मिक पक्ष है। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये जो व्यावहारिक पक्ष है वह ज्यादा उपयोगी होगा। तो अभी तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर इस विषय को आप सब आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे इस पर प्रश्न कीजिए, हो सका तो मैं उसका अपने ढंग से बेहतर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।